हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आसुचन आरो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 15 नवंबर है और आज की कुछ खास खबरें जो सऊदी अरब की हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। सऊदी अरब में अलग अलग इलाकों में सैलाब से मुतासरीन ने इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफिस का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। सैलाब से मुतासर गाड़ियों के मालिकान ने कंपनियों से मुआवजे की मांग की है। इंश्योरेंस कंपनियों ने इत्मीनान दिलाया है कि इंश्योरेंस पैकेज के मुताबिक पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। कुदरती होने वाले नुकसान से इंश्योरेंस कंपनियाँ साफ इनकार कर देती थी, लेकिन अब मुमलकत भर में ये बात मानी जाने लगी है कि इंश्योरेंस का दायरा कुदरती होने वाले नुकसान तक हुआ है। आवाम की राय से पता चला है कि सऊदी अरब में गाड़ियों के इंश्योरेंस कराने वाले 48% लोग इंश्योरेंस पैकेज से खुश नहीं। उनका कहना है कि इंश्योरेंस कंपनियां हद से ज़्यादा रकम वसूल कर रही हैं। रिपोर्ट में शामिल 47% का कहना है कि इंश्योरेंस पैकेज कुछ हद तक सही। इनमें शामिल 85% तालिबा हैं, जिनमें से 87% का कहना है कि पैकेज की रकम काबिल कबूल नहीं। तीसरे इंश्योरेंस कराने वाले 87% लोगों का कहना है कि उन्हें 501 से लेकर 2000 रियाल तक इंश्योरेंस की मदद में खर्च करने पड़ रहे हैं। मुकम्मल इंश्योरेंस कराने वाले 75% लोगों का कहना है कि उनसे इंश्योरेंस पैकेज 2000 रियाल से ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। निजी इदारों के 64% कारकुनान इंश्योरेंस कंपनियों से खुश नहीं। खादिम हरमैन सरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के जेर सदारत सऊदी कबीना का इजलास मंगल को रियाद के कसरे यमामा में हुआ। कबीना ने 9 फैसले जारी किए। अफगानिस्तान, सोमालिया, इराक और ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाकये की मजम्मत की गई। शाह सलमान आइंदा हफ्ते मुमलकत के शुमाली इलाकों का दौरा करेंगे, जहां वो लोगों से मुलाकात करके उनके हालात पता करेंगे, कई तरक्याती मंसूबों की बुनियाद और कई का उद्घाटन भी करेंगे। सऊदी हुकाम ने चाचा जाज समेत कई सिपाहियों के कत्ल और सीरियाई दहशतगर्द का प्रचार करने वाले मुकामी दहशतगर्द का मंगल को सर कलम करके निशाने इबरत बना दिया। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करके बताया है कि मुकामी शहरी रियासत से बगावत कर चुका था। वो सऊदी सिस्टम और सिक्योरिटी फोर्स को काफिर करार देता था। मुकामी शहरी ने धोखे से अपने चाचा जाद भाई को सहरा में बुलाकर इंतहाई होशियाना अंदाज में कत्ल किया था। उसने एक सऊदी शहरी और एक सिक्योरिटी अहलकार को भी हलाक किया था, जबकि एक सिक्योरिटी अहलकार के कत्ल में बराबर शरीक था। उसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश कर दिया गया, जहां इल्जाम साबित हो जाने पर उसे मौत की सज़ा सुना दी गई थी। सऊदी डायबिटीज अंजुमन ने खुलासा किया है कि 2017 के दौरान मुमलकत भर में डायबिटीज मरीजों की तादाद 38,92,000 रिकॉर्ड की गई। नौजवान मरीजों का तनासुब 18.5% तक हो गया। इस तरह आवाम में तेज़ी से फैलने वाला डायबिटीज के 10 मुल्कों में से एक सऊदी अरब भी हो गया। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने 50,000 मकानात जल्द तामीर करने के लिए कमेटी बना दी। प्रोग्राम के मुताबिक 67.802 मकानात जद्दा, 24,383 मक्का, 593 मुनफिदा, 1.245 राबिक, 520 खरमा, 464 तुरबा में तामीर होंगे। दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें सऊदी अरब की जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन को भी इनेबल कर देना। उससे क्या होगा, मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहेगी, जिससे आप दोस्त मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।